हेलो दोस्तों, मैं पहले वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि गूगल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से, मतलब गूगल सी, गूगल स्पेस, गूगल ग्रेविटी। तो आज दिखाना चाहता हूँ कुछ दूसरा चीज़ गूगल का। गूगल में हम लोग विंडोज़ 98 93 ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो नॉर्मली ज़्यादा टाइप कर लेते हैं गूगल में विंडोज़ 93 और उसे यूज़ भी कर सकते हैं हम लोग। देखो ये पहला वाला जो लिंक है इसमें क्लिक कर देते हैं हम लोग। ये देखो पूरा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसमें देखो अभी बोल रहा है डिलीट ऑप्शन दबाने के लिए। तो डिलीट दबाने के बाद ये इधर ऑप्शन आ जाएगा इसे स्टार्ट करने के लिए। तो इधर सिंपली क्लिक कर दो और देखो विंडोज़ 1993 स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो इसका लोगो है ये, और ये देखो इसका इंटरफेस है। पूरा विंडोज़ 93 आपके सामने है। विदाउट इंस्टॉल किए हुए आप आपके सिस्टम में इसे यूटिलाइज कर सकते हो। इसका साउंड भी आता है बहुत बढ़िया, मतलब पूरा पूरा विंडोज़ 93 को आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो स्टार्ट बटन, इसका सब कुछ फीचर जो है, जो जो फीचर है, रन सेटअप, जो जो फीचर है सब कुछ आप इधर से इस्तेमाल कर सकते हो इस विंडोज़ गूगल के माध्यम से। तो और विदाउट इंस्टॉल किए हुए इसे फुल यूटिलाइज कर सकते हो। ये पूरा विंडोज़ 93 है। ठीक है चलो नेक्स्ट पार्ट जाते हैं। आप लोग तो सुने ही होंगे गूगल में कि गूगल में और भी चीज़ हो सकता है। आप कभी शायद आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई मूवी अगर सर्च कर रहे हैं डाउनलोड करना बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोगों को। तो नॉर्मली गूगल में हम लोग लिख सकते हैं देखो आयरन मैन मूवी, आयरन मैन मूवी हम लोगों को चाहिए गूगल ड्राइव में। तो हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं आयरन मैन मूवी ऑन गूगल ड्राइव। देखो पहला लिंक आ गया, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखो पूरा आयरन मैन मूवी जो है पूरा इधर गूगल ड्राइव में आ जाएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए बफरिंग हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा। देखो पूरा आयरन मैन जो मूवी है पार्ट वन का वो आ गया मेरे सामने। इसे मैं ऑनलाइन भी व्यू कर सकता हूँ या इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। लाइक इधर पूरा मेरा नेट थोड़ा बफर कर रहा है तो इसलिए स्लो है। तो इधर आने के बाद दिखाता हूँ आपको। ये देखो डाउनलोड ऑप्शन है, इसे अगर क्लिक करूँगा तो सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। मतलब ये जो जो गूगल ड्राइव में चीज़ मतलब मूवी रहेगा या जो भी सर्च करना है हमको, उसके बाद गूगल ड्राइव लिख सकते हैं एक्सटेंशन के तौर पे, या कुछ भी चाहिए पकड़ लो। आपको सी प्रोग्रामिंग का कुछ चाहिए तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लिख के ट्यूटोरियल लिख के पीछे पीडीएफ लिख दो। तो ये जो जो पीडीएफ फाइल में रहेगा इसका डॉक्यूमेंट्स वो सब कुछ पीडीएफ में आ जाएगा आपके पास। देखो पूरा ये जो जो है पीडीएफ में आता है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। या इसके पीछे आप लोग लिख सकते हो ट्यूटोरियल वीडियो, उसके बाद गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में जो जो मतलब वीडियो रहेगा या इसके बारे में जो जो चीज़ रहेगा, तो वो चीज़ सब आपको वही दिखने लगेगा। लाइक हम लोग नॉर्मली लिख के बहुत सारा मतलब 3 लाख 4 लाख सर्च तो नहीं कर सकते हम लोग, सर्च रिजल्ट बहुत आता है। तो इसको नॉर्मली सर्च करने के लिए ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है तो चलो नेक्स्ट है गूगल अर्थ। शायद आप लोगों ने गूगल अर्थ के बारे में सुना होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को गूगल अर्थ। ठीक है गूगल अर्थ कैसे काम करता है और कितना अच्छे तरह से गूगल अर्थ में ये सब आता है। ये देखो गूगल अर्थ का ये सब आता है, मतलब क्रोम ब्राउज़र में आप लोग यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो। और ये विंडोज़ मतलब विंडोज़ प्लेटफॉर्म में आता है, और इसको एप्पल मतलब मैक ओ एस के पर में आता है, और ये एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे भी आता है। ये सब कुछ आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मली लॉन्च कर देता हूँ, मेरे वेब ब्राउज़र में ही आ जाएगा ये। ठीक है ये अभी ओपन हो रहा है। एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है कुछ दिन से, इसको ओपन होने देते हैं हम लोग। ओपन होने के बाद दिखाता हूँ मैं, मतलब ये इतना सुंदर है चीज़ कि आप लोग पूरा अर्थ को बाहर से देख सकते हो। और कोई भी देश का आप लोग मतलब मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया को मैं सर्च करूँगा तो बहुत सुंदर से इंडिया को इधर से दिखेगा। मतलब ये गूगल अर्थ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, मतलब देश में कहाँ कहाँ कौन सा लोकेशन आता है। ये देखो ओपन हो गया,
ये पूरा अर्थ को दिखा रहा है, ठीक है, ये स्किप कर लेते हैं हम लोग। तो ये पूरा अर्थ है, मतलब पृथ्वी के बाहर से, अर्थ के बाहर से अर्थ को ऐसे ही दिखता है, मतलब इतना सुंदर लगता है। चलो सर्च कर लेते हैं, मैं पहले ही बोला मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया सर्च कर लेते हैं थोड़ा। ये देखो इंडिया आ रहा है, ये देखो देखो पूरा इंडिया का मैप शो कर रहा है, और इसको जितना जूम करूँगा ना उतना आगे जाएगा, उतना पूरा पूरा शहर दिखेगा मेरा, जो शहर मैं दिखना चाहता हूँ। ये देखो पूरा ये इंडिया का मैप शो कर रहा है, और ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा समुंदर है, ठीक है। ये देखो वो जो डॉट दिख रहा है आपको वो इंडिया है, और ये देखो पूरा पृथ्वी है। ये चीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना, मतलब आपको इतना अच्छा चीज़ मैं दिखाया। इसे क्लोज कर लेते हैं। चलो मैं कोई पार्टिकुलर लोकल लोकलिटी भी मैं ढूंढ सकता हूँ इधर से, लाइक तो कोई भी लोकेशन इधर से देख सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छा लगता है। मैं पहले ही बोला आपको इंडिया में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। देखो वेस्ट बंगाल नॉर्मली इधर मुझे मिल गया, इधर इंडिया में जो जो स्टेट है जितना भी जूम करूँगा सब दिखेगा। ये वेस्ट बंगाल है, देखो वेस्ट बंगाल सर्च किया तो वेस्ट बंगाल आ गया, ये पूरा वेस्ट बंगाल का मैप शो कर रहा है, और ये वेस्ट बंगाल है, और जितना इसे जूम करूँगा ना उतना सब पूरा पूरा सिटी दिखेगा मुझे, पूरा मेरा। और ये मतलब इतना सुंदर दिखता है ऊपर से, ये सब कुछ हम लोग व्यू देख सकते हैं और व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। लाइक कोई भी मतलब इधर वेस्ट बंगाल का कोई भी जो सिटी है वो दिख सकता है, इधर कोई भी सिटी दिख सकता है, और इसमें बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। देखो गूगल आर्ट से कितना अच्छा लगता है दिखने में, ये गूगल का बहुत सुंदर चीज़ है, मतलब गूगल का इतना अच्छा डेटा, इतना अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा है। इसका व्यू पूरा डिटेलिंग में आता है। चलो मैं कोलकाता सर्च कर लेता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो कोलकाता थोड़ा सर्च कर लेते हैं। देखो ये देखो मेरा कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता पूरा सिटी आ गया मेरा। तो इसको जितना भी जूम करूँगा ना पूरा पूरा सिटी दिखेगा मुझे 3D व्यू में, मतलब ये मेरे पूरा मेरा सिटी है, इतना मतलब इतना डिटेलिंग में दिखाता है, और इतना अच्छा लगता है ऊपर से इसको यूटिलाइज करने में। ये देखो ये पूरा कोलकाता शहर है, तो इसको इतने अच्छे तरह से हम लोग देख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और मतलब आर्ट कैसे, आर्ट का अंदर क्या क्या है, कैसे क्या है वो मतलब मज़ा कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं ये सब। ये पूरा कोलकाता सिटी आ रहा है, ये देखो मेडिकल कॉलेज, सिटी कॉलेज, सब कुछ आ रहा है इधर, मतलब ये पूरा पूरा सब कुछ डिटेलिंग में दिखेगा। सिर्फ कोलकाता नहीं, जो भी स्टेट, जो भी कंट्री के लोग हैं वो अपना सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, गूगल का ये फीचर बहुत अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कर देना। चलो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।